हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत टी एंड आप देख रहे हैं फार क्राई प्राइमल का बिल्कुल नया एपिसोड। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हम एंटीडोट बनाने के चक्कर में उल से दोबारा मिले एंड उसने हमें पकड़ लिया था, हम किसी तरह भागे वहां से एंड आज हम बढ़ेंगे वहीं से आगे। हुया कबूया का तो सायला की मदद से हमने एंटीडोट बनाना तो सीख लिया, एक येलो लीफ, रेयर येलो लीफ और एक मीट लगता है उसमें, इससे हम ऑल पॉइजन डैमेज और उनके इफेक्ट्स एलिमिनेट कर सकते हैं। यस, हमें बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा उसका। एंड उसी के साथ वो चाहती है हम उदम होमलैंड जाए, उल को मारे। यस, वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड मिशन है, लेट्स गो। जाना कहाँ से है ये? ओके, एंट्रेंस मुझे यहाँ से लग रही है, काफ़ी गुफाई गुफाएँ, खाई है पूरी। एंड यस, ग्रेट स्कार बेयर मेरे साथ है एंड मेरे ख्याल से ये उन्हीं का दारवा फोर्ट था जहाँ से हम ये एंट्री कर रहे हैं। ये आया मेरा ग्रेट स्कार, देख सकते हैं अभी भी कितनी चोट लगी है। ओह शिट, तो पॉइजन फ्यूम्स इस गुफों में चारों तरफ फैली हुई है, हम बिना उसके जा नहीं सकते अंदर। तो हम बनाएंगे अपने लिए एक एंटीडोट, ये खाया हमने एंड एंटीडोट का टाइमिंग चल गया साइड में। उदम होमलैंड, यस, मिशन स्टार्ट। बिल्कुल चोट नहीं लगेगी हमें जब तक हमारे पास ये एंटीडोट है। एंड खून ही खून, हड्डियाँ ही हड्डियाँ, लाशें ही लाशें, इसका मतलब है उदम ही उदम, बहुत ही खतरनाक एंड सब कुछ मार देने वाले साले। सामने कोई है, यस, अटैक, ग्रेट स्कार, शाबाश। हो, इसको तो बोटी बोटी कर दिया, तो हमारे वेंजर्स को ही ले जा रहा था ये। इन सालों को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उल, आज सायला को तेरा कान दे के दूंगा, उससे पहले थोड़ी लकड़ियाँ काट लो। बढ़ते रहो बढ़ते रहो। ओ शिट, और उदम आ गए, अटैक। मेरा एंटीडोट ख़त्म हो चुका है, इनने फिर मेरे पर बेन फेंका तो मेरे को लग जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं उदम लैंड के अंदर, पहरा दे के खड़े हैं काफ़ी सारे उदम एंड सब ने कवच हवच सब कुछ पहन रखा है। चलते रहो चलते रहो, क्रॉस थ्रू द उदम कैनियंस, ऐसे क्यों बोले, चढ़ने की काफ़ी जगह है ऊपर, मैं नीचे से जाऊंगा। ये आए, अटैक, ये ले। मेरा भालू भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है उसने। चलते रहो चलते रहो, ऊपर से काफ़ी आर्चर्स आ सकते हैं हमारे ऊपर, लेकिन उससे पहले कोई भी हमला करे हम बढ़ते रहेंगे आगे। ये कहाँ है, कहाँ से आवाज़ आई, देखा, ये पड़ा सीधा मुंह पे। जान दो उनको, थोड़ा बाहर तो आए हम, लेकिन सबको पता चल चुका है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। अटैक, ये लो मेरा रॉड बेन, बिल्कुल तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। बहुत हमला स्टार्ट हो गया हमारे ऊपर, बैम, ये, अरे मर, काफ़ी ज़्यादा आर्मर है इन लोगों के पास, चारों तरफ से हमारे पे हमला हो रहा है, बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे कोई। अटैक, अरे ये नहीं, ये गया काम से। हेडशॉट, क्या बात है, इतने दूर हेडशॉट अपने लॉन्ग बो से। ले भालू तू भी खा कुछ एंड हम चले यहाँ से मेन उदम कैंप की तरफ, जहाँ पे उल शायद हमारा वेट कर रहा है। एक वो दिन था जब उल हमारे विलेज में आया था, उदम रेडर कैंप। आ जाओ भाई, तुम्हारा कैंप गया भाड़ में, चल आ जाओ उल्लू। जिस दिन उल हमारे विलेज में आया था और उसने सब डिस्ट्रॉय किया था, आज हम उसके विलेज में आके उसका घर तोड़ेंगे। कहाँ है साला, हैं गुफे के अंदर कहाँ छुपा बैठा है भाई? ये तो उल्लू तो मेरा कहीं नहीं पहुंच पाएगा लग रहा है। यहाँ पे कोई है, अटैक, बूम,
एक को तो मारा। चल ग्रेट स्कार, आज हम उदम को ऐसा स्कार देंगे साले भूल नहीं पाएंगे। क्या चीज़ ने अटैक किया इनके ऊपर, पता भी नहीं चलेगा इनको कहाँ से अटैक आया और कहाँ से नहीं। जाओ 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 अटैक। अबे कहाँ रह गया, ये ले ये लो, कोई ना बच पाए। ये गए, तीन को तो मैंने स्पीयर से मार दिया। अरे 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 भाई, ऐसा क्या फेंक दिया ने मेरे ऊपर, मेरे ग्रेट स्कार को इसने घायल कर दिया। उठ, कितने पावरफुल हो गए। हाँ ओ शिट, पांच छह आ गए एक साथ। अब आ जा अटैक। अच्छा यहाँ छुपके मार रहा है, छुपके मारेगा। ये ले सबको क्लब से मारूंगा मैं। कहाँ है ओ शिट, फिर रॉड पेन फेंकना स्टार्ट कर दिया ने मेरे ऊपर। अभी मैं इनके ऊपर रॉड पेन फेंकूंगा। अटैक, शाबाश। ये अबे ये लो रॉड बेन अपना, तुम्हारा चीज तुम्ही पे। इतने कंफ्यूज देखो, खुद ही लड़ पड़ेंगे एक दूसरे से लड़ पड़े। ये इनके रॉड बेन का कमाल। अबे लगता है नशा उतर गया इनका। अरे भाई फिर घायल कर दिया इसने मेरे भालू को। हट, हील, उठ ग्रेट स्कार, कैसे लड़ रहा है तू आज। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हमला जारी रहेगा। हंटिंग वैली में पहुंच चुके। आई क्लेम फायर फॉर वेंजा। सब पूरा खंडर है, खंडर बर्फ से ढका हुआ खंडर, चारों तरफ उदम ही उदम। बहुत बड़ी फाइट आने वाली है उल के साथ, और फिर दोबारा इनके एक दो झोपड़ दिख रहे हैं मुझे। आई होप मुझे इन झोपड़ों में नहीं जाना। सालों के ये स्ट्रक्चर मुझे बहुत खराब लगते हैं, तोड़ो सालों। इनके बोन स्कल्स जो भी कहते हैं इनको, आग लगा दो सबके झोपड़ में, लगा दो आग। साले हमारा विलेज डिस्ट्रॉय करने आए थे। आ गए उल के बच्चे। ओ भाई ये कहाँ से आ गया, इनने भी पालतू बना रखा है क्या एक दो। अटैक, कहाँ कहाँ भाग रहे, कहाँ भाग रहे। हट, आग पकड़ दी इनके घरों ने। भाई रेनडियर से लेके बड़े बड़े छोटे छोटे जानवर भी यहाँ पे घूम रहे। किल ऑल एनिमीज, लाइट द बॉनफायर टू क्लेम इट। तो इधर का हम बॉनफायर लेने वाले हैं, लेट्स गो। मामसा साजा बॉनफायर, चल मेरे उल्लू, स्काउटिंग स्टार्ट, किलिंग भी स्टार्ट। यस, एक दो तीन, इन्हीं के ऊपर मैं इनका रॉड बॉम्ब फेंकूंगा, देखना। ये गए, दोनों ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे। और इसको उल्लू से अटैक, बूम। ये हुई ना बात, वो दोनों जब तक एक दूसरे से लड़ रहे हैं यही मौका है अटैक करने का। आगे बढ़ो, अटैक। चल ग्रेट स्कार, शुरू हो जा अपना काम। बूम, स्पीयर फॉर स्पीयर। वार्निंग, एनिमीज हैव बीन कॉल्ड। आण दो, किसी को ना छोड़ूंगा मैं। ये ले स्पीयर, ये ले एक और स्पीयर, निकाल लो अपने क्लब्स। अच्छा ये फेंकेगा मेरे ऊपर रॉट बेन फेंकेगा। ये ले साल दूर हो जाए यहाँ से। फिर मेरे ऊपर रॉड बेन फेंक दिया, एंटीडोट खा लेता हूँ मैं फटाफट। यस, पॉइजन के इफेक्ट भी नहीं होंगे, पॉइजन भी ठीक हो गया मेरा। एंड तू क्या कर रहा है, हट हट। अरे शाबाश ग्रेट स्कार, अब बस इधर आग लगानी हमें। बॉनफायर हमारा हुआ, और इसी के साथ ये मामसा साजा बॉनफायर हमारा हुआ। ये ले ग्रेट स्कार, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। अब हम जा रहे हैं उल के केव की तरफ। यस, उल का खुद का केव, लगता है पहुंच गए इनके कैंप में।
ओह शिट, इधर भी पूरा इनका कैंप है। अरे 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 अरे, छुप जा यहाँ पे थोड़ी देर। भेज अपने उल्लू को, देखते क्या चल रहा है इसके कैंप में। ओहो, एक दो, काफ़ी लोग घूम रहे इधर तो। काफ़ी सिक्योरिटी है उल के केव के बाहर। पांच लोग तो मुझे ऐसे ही दिख गए, छः एक और टॉप पे। ऊपर ऊपर तक घर जा रहा है इसका। एंड वो रहा उल का केव, रॉट बेन से भरा हुआ है पूरा। शिट, तो स्टार्ट करते हैं इस बार फायर बॉम्ब फेंक के। यस, इन सालों के सर पे ही फायर बॉम्ब फेंकूंगा मैं। फेंक इस पे फायर बॉम्ब, बूम। एंड हम लोग वहाँ पे छुपे हुए हैं, इस पे मैं आउल से अटैक करूँगा अपने, या इस पे भालू को भेजता हूँ। कूल, एंड उस पे अपने आउल से अटैक करूँगा। कहाँ ऊपर क्या कर रहा है ये? बूम, ओह शिट, किसी और पे अटैक कर दिया इसने। बूम, वाह, लॉन्ग बो का एक शॉट। डबल एरो निकाल लेते हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं छुपने का। बूम, ये भी गया। जल्दी ये लोग और लोगों को बुला लेंगे। ये गया, ये ले, ये इसके पीछे छुपा है, मार उसको। ये ले, क्लब ही देके मारा इसके सर पे। शाबाश शाबाश, खाते जाए इन सबको। बूम बूम, ये टफ फाइट देता है मेरे भालू को। ये बेटा, ये इसकी मदद करनी पड़ेगी। यस, ही इज डाउन, ही इज डाउन। काफ़ी लोग आ गए आगे पीछे से। शाबाश शाबाश, ग्रेट स्कार। ये ले मास्कूटा एंड हेड शॉट। कहाँ, छुपो मत पीछे। ओ भाई, ये ले, स्पीयर से मारना सबसे अच्छा है इन हैवी हैवी टेकर डाउन्स को। टेकर डाउन क्या बोल रहा हूँ मैं। ये लो, वेंजर्स, ये ले सीधा हेड शॉट, मुंह पे गया इसके अंदर तो। यस, ग्रेट स्कार ने भी एक दो को ख़त्म कर दिया है। ये आया एक और हैवी, ये ले बेटा, ये ले, मुंह पे क्लब देके मारूंगा। ये ले क्लब ही क्लब फेंक के मारे इसके मुंह पे। केव के हम बिल्कुल बाहर पहुंच गए। थोड़ा सा मीट ले लेते हैं यहाँ से, एंड अपने भालू को खिलाते हैं। ये ले, ओ, पीछे से आ रहे हैं। ये बच कैसे गया? अरे अरे, छुप गया। आजीश, आजीश, he's down. पॉइजन वाले एरो फेंक रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ, तो जैसे आप केव में देख सकते हैं, काफ़ी धुआं फैला हुआ है। मैं पहले से अपना एंटीडोट ले लेता हूँ फटाफट। अब चलते हैं अंदर उल के पास। बाहर निकल उल, तेरी मौत आई आज, तेरी मौत। टेक डाउन, छाती के आर पार। एंड सिर्फ गांव वाले लोग हैं मेरे ख्याल से, सब भागने की कोशिश कर रहे हैं अब। चढ़ चढ़ ऊपर चढ़। कहाँ है ये लोग? वेंजा, अरे बच कैसे? कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे? आ जा उल, आग ही आग लगा रखी है चारों तरफ, लेकिन उल का नामो निशान नहीं। एंड सर्च द केव फॉर उल। और सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे तो। टेक डाउन, ये गया एक डाउन। एक वहाँ ऊपर खड़ा है, ये ले, ओ शिट, मरा नहीं। ये ले, यस, ही इज डाउन। ओ, यहीं पे खड़ा था ये। ओके, ही इज डाउन। अटैक, सबको खबर हो चुकी है, आ गए सब। फायर बॉम्ब, ये ले मेरा फायर बॉम्ब। बूम, अरे बच गया ये। चल ग्रेट स्कार अटैक। ग्रेट स्कार को बताना पड़ रहा है कहाँ पे है लोग। ये अटैक ही नहीं कर रहा अंदर आके, क्या हो गया इसको? अब आया, अटैक।
हाथी मरेगा क्या? मार उसको भाई, मेरे ऊपर अटैक हो गया काफी। ये पड़ा उसका शॉट, ये कहाँ से आ गया? ये लो, ये पड़ा। ओह हैवी डैमेज आ गया, हैवी डैमेज। ये ले, मेरे को पीछे से भी कोई मार रहा है क्या? ये ले स्पीयर वाला आग। बूम बॉम, ये पड़ा स्पीयर एंड वो गया नीचे। यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, स्पीयर बना लो। पुल का तो पता नहीं काफ़ी, लेकिन ये लोग ही बहुत सारे। ये पड़ा, ये ले स्पीयर, ही इनका वीकनेस। स्पीयर ही दो इनके पेट के अंदर हैवी डैमेज के, एंड दे गो डाउन इजीली। ऊपर ऊपर क्या कर रहा है? ओह शिट, बचा। ये ले, यस ही इज डाउन, ही इज डाउन। ओके, मीट खाते रहे, मीट खाते रहे सबका। ये ले, लेट्स गो, बाहर निकल उल। कहाँ बर्फीली पहाड़ों में छुपा हुआ है तू? ये गुफाएं भी तुझे नहीं बचा पाएंगी। एंड ये रहा उल, शूट द हैंगिंग आइस शार्ट टू स्ट्राइक द एनिमी फ्रॉम अबव। ओके, ओ उसके सर पे गिरा आइस शार्ट, एंड आई डोंट थिंक सो ये उल था। ये बड़ा सही तरीका था टेक डाउन मारने का। आगे बढ़ते रहते हैं, उल अभी भी नहीं मिला है हमें। एक और चेक पॉइंट, आग ही आग, एंड उल का हेल्थ मीटर आ चुका है। ओके, मतलब उल हमारे बिल्कुल करीब है। ये रहे, गिरा उनके सर पे, ये गिरा, उल को भी काफ़ी चोट लगी, एंड यही है उल। आग के बम थोड़ा सा इफेक्ट करेंगे इस पर। उल भागने की कोशिश कर रहा है। कम ऑन ग्रेट स्कार, टाइम नहीं हमारे पास, मारते रहे सबको। शिट, उसने भोपू बजा दिया है। कहाँ गया उल? उल कहाँ भाग गया? अच्छा यहाँ छुपा हुआ है, ये ऊपर क्या छुप रहा है? आ नीचे, स्पीयर ही स्पीयर मार रहा हूँ मैं उसके अंदर, कुछ नहीं हो रहा उसको। भाई आ गया, फाइट में आ गया, मैं भागा यहाँ से। अटैक, शाबाश शाबाश ग्रेट स्कार। ये लोग यहाँ से हमला क्या करें? डरपोक, फिर बम फेंके। मेरे बम खत्म हो गए, शार्ट फेंकने पड़ेंगे मुझे भी। ये ले, ओह हेड शॉट, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसको। ओह भाई, एक मारा मेरी हेल्थ आधी कर दी इसने। फटाफट खा ग्रेट स्कार, टाइम नहीं है। आउच, एंटीडोट खा अपना फटाफट। उसने चारों तरफ वो गैस ही गैस फेंक दिए। ओह शिट, उल ने मेरे भालू को फिर मार डाला। यहाँ उल, यहाँ चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज, आ जा यहाँ पे। रॉट बेन फेंकेगा मेरे ऊपर, आ जा। हाँ ना, या ये पड़ा। ओ बच गया यार, बच गया, बच गया टेक डाउन से। जल्दी उठ, जल्दी उठ, मारो उदम। ये पड़ा मुंह पे, इस डाउन, इस डाउन। उल ने तो फिर मेरे दोस्त को घायल कर दिया। ये लो, चारों तरफ से इतने उदम आ रहे भाई, घेर लिया सबने मुझे। ओ शिट, इससे सीधा हम लड़ नहीं सकते, इस एक दो शॉट में हमें मार देगा ये। दूर दूर से ग्रेट बेन फेंक रहा है। मेरे ख्याल से टाइम हो गया है अपने सेबर टूथ को बुलाने का। ये ले, मेरे को खुद के बर्सेक बॉम्ब बनाने पड़ेंगे। ये गया मेरा बर्सेक बॉम्ब, लेकिन उल को बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहा, उसके पास भी एंटीडोट है। एंड ये आया मेरा
सही सेबर टूथ कम ऑन अटैक अटैक पे अटैक। अबे क्या चैंपियन, यस यस शिट मेरा एंटीडोट खत्म, एंटीडोट खाना पड़ेगा मुझे। शिट मैं कहाँ गिर गया, शिट किस चीज़ ने मारा मुझे, ये इसके ऊपर, यस थोड़ी सी चोट लगी, काफ़ी चोट लगी उसको आइसिकल से, यस यही मौका है मेरे पास, मर उल मर मर मर। अब इसकी हेल्थ कम क्यों हो रही, परफॉर्म टेक डाउन, अच्छा शिट मुझे उस पर टेक डाउन करना था पीछे से, कम ऑन हट, इतने मुश्किल से मारा था मैंने उसको, आजा आजा आजा। अबे आइसिकल कहाँ है, यहाँ बुलाना पड़ेगा उसको, उनको हमें उस आइस शार्ड से ही मारना पड़ेगा, एंड मेरे ऊपर ही आइस शार्ड है, आजा इधर आना। अबे फिर बम फेंक दिए इसने, शिट भागता कहाँ है, भागता कहाँ है, इधर आ, आया आया आजा, और आ गया और आ गया, ये गिरा सर पे उसके, लगी उसको, ओह उल को हमने आखिरकार मार ही दिया, यस कोई रो रहा है, उल अपनी जान के लिए हमसे भीख मांग रहा है, ये क्या हो रहा है, एंड कहीं उधम का बच्चा रो रहा है यार। उल की तो हालत हमने बुरी कर दी, बीस्ट मास्टर टक्कर से कोई पंगा नहीं ले सकता, ओ उल डाइज उडम चाइल्ड कम्स विथ मी, बच्चे की जान लेने के लिए तैयार हो चुका है वो, उल क्या कर रहा है तू, बच्चे की जान लेगा, उदम स्वर्गार्थ बीमारी, तो उदम जो है वो काफी जल्दी मर जाते मेरे को लगता है किसी सिकनेस से किसी डिजीज से, लेकिन वेंजास काफी समझदार है एंड काफी ज्यादा लंबा रहते हैं वो लोग, तो वो चाहता है हम इस उदम के बच्चे को अपने सुरक्षा में रखें। भाई साहब उदम ये क्या हुआ, वॉक फ्री, उल इज डन, तो उल का खात्मा हो गया लेकिन उदम का नहीं, क्या फाइट थी, तो उदम द डेथ ऑफ उल, विक्ट्री वेंजास, हियर कम्स द बीस्ट मास्टर, यस हम वापस आ गए, यह उल इज डेड, बीस्ट मास्टर टक्कर ने मारा उसका कान, नो कान, हम उसको मारेंगे नहीं, लेकिन उल का बच्चा शायद, मतलब उदम के बच्चे हम मार नहीं सकते, साइला हम किसी के ईयर्स नहीं चाहते अभी, टेंसे शामन ने बच्चे को डरा दिया, कोई नहीं उदम का तो खात्मा हुआ मेरे ख्याल से, लेकिन हम उनके बच्चों को नहीं मार सकते, हम उन्हें नई जिंदगी देंगे यहाँ पे, अब सबको डर लगता है हमारे वेंजास से, डर लगने लगा है अब, यू हेयर दैट, यस कहीं तो गाना बज रहा है, सैला को कुछ और ही सुनाई देता है, शांति, अब जाके उसको शांति मिली है, यही है शांति, टुनाइट द डेड वेंजास स्लीप,
सैला फर्स्ट यू गो स्लीप। तो सैला काफ़ी खुश हुई है उल्के मर जाने के बाद, उसको शांति मिली है सबसे ज़्यादा। और इसी के साथ उधम सैंक्टम मिशन कंप्लीट। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मज़ा आया, हमने आज उधम होमलैंड को खलास कर दिया। बट थोड़ा बुरा भी हुआ, मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है उल के लिए। बट इस एपिसोड को लाइक करना ना भूलिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विथ मोर फार क्राई प्राइमल, तब तक के लिए बाय।